जे को होल्ड कर कर रिलीज कीजिए, प्लेयर डॉल्फिन डाइव करेगा। हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टैंस मोड को इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको scriptukvi.net और नेटिव UI इन तीनों की ज़रूरत होगी। scriptukvi.net इन दोनों को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका वीडियो आपको कार्ड पर दिख रहा होगा। scriptukvi.net इन दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए। इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद स्टैंस मोड और नेटिव UI इन दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। इन दोनों के डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। फर्स्ट मैं इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद अगर आपके पास स्क्रिप्ट्स फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। अगर आपके पास स्क्रिप्ट्स फोल्डर है तो इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद रिक्शा की वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ फर्स्ट हम नेटिव UI को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ आपको रिलीज का एक फोल्डर दिख रहा होगा, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको नेटिव UI.dll इसको GTFI स्क्रिप्ट्स फोल्डर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। नेटिव UI को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अब हम स्टैंस मोड को इंस्टॉल करते हैं। इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको दो फाइल्स मिल जाएंगे स्टैंस के। इन दो फाइल्स को GTFI स्क्रिप्ट्स फोल्डर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ आपको स्टैंस का एक कॉन्फिगुरेशन सेटिंग का एक फाइल दिख रहा है ना, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आप इसकी की को चेंज कर सकते हो। यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट J की मिल जाएगी। यहाँ से आप इस की को भी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद J पर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो हमारा प्लेयर क्रॉच पोजीशन पर आ चुका है। फिर से J पर प्रेस करने से ये स्टैंडिंग पोजीशन पर आ जाएगा। अगर आप प्रोन पोजीशन पर आने के लिए आपको कौन सा बैक वेपन लेना होगा, कौन सा बैक वेपन लेने के बाद J को होल्ड कर कर रिलीज़ कीजिए। हमारा प्लेयर प्रोन पोजीशन पर आ चुका है। अब आप डॉल्फिन डाइव करने के लिए आपको आपका प्लेयर रन करना होगा। आपका प्लेयर रन करते हुए J को होल्ड कर कर रिलीज़ कीजिए। आपका प्लेयर डॉल्फिन डाइव करेगा।
तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।